अगर आप आपका 20s में हो, आपको कौन सा एक किताब पढ़ना चाहिए, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। तो द बुक विच आई विल सजेस्ट यू इज रिच डैड पुअर डैड। एक ऐसा किताब है जिधर आपका जो फिनेंशियल फ्रीडम का जो जर्नी है वो शुरू हो सकता है। फिलहाल जब मैं कॉलेज से ड्रॉप आउट किया था, व्हेन आई वाज इन माय 19, तब कोई था ही नहीं मेरे को सजेशन देने के लिए। आई डिडंट इवन हैव द मनी टू बाय दिस बुक, बट कोई बात नहीं, नाउ दैट आई एम इन माय 24, आई हैव रेड दिस बुक एंड मैक्सिमम चीजें जो इस बुक में ऑथर ने बोला है, आई हैव ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड इन इट इन माय लाइफ एंड मैं एक कह सकता हूँ कि दोज आर ऑल लेजिट। तो रॉबर्ट टी कियोसाकी बेसिकली क्या बोलते हैं इस बुक में? फर्स्ट ऑफ ऑल, इस बुक में ऑथर ये बोलता है कि आपको एक हाई पेइंग जॉब लाइफ में क्यों नहीं चाहिए, रिच बनने के लिए या फिर सक्सेसफुल होने के लिए। बुक बहुत ही सिंपल भाषा में लिखा हुआ है। इधर ऑथर का जो रिच डैड है, जो कि उनका दोस्त का डैड है, उनका जो साइकोलॉजी है वो ऑथर बताते हैं इस बुक में, कि उन्होंने कौन सा बिजनेस किया था जब ऑथर और उनका दोस्त छोटे थे, एंड रिच डैड जो इस किताब में है उन्होंने क्या सिखाया था बिजनेस के बारे में ऑथर को, एंड उधर से ऑथर का फिनेंशियल फ्रीडम का जर्नी शुरू हो गया था। अब पुअर डैड है रॉबर्ट टी कियोसाकी का असली डैड, जो करता था ट्रेडिशनल गवर्नमेंट जॉब। अब ऑथर उनका पुअर डैड को भी डे टू डे बेसिस में देखते थे, एंड उनका जो असली डैड जो स्कूल टीचर था, उन्होंने जो मिस्टेक्स किया था ऑथर उससे भी सीखता था लाइफ लेसंस, जो इस किताब में बहुत ही डिटेल्स में ऑथर ने बताया है। अब दूसरा चीज जिसके ऊपर ऑथर फोकस करता है, दैट इज पैसे का साइकोलॉजी। हम सब में, आप जो भी देख रहे हो वीडियो, हम लाइफ में कुछ ना कुछ कर रहे हैं पैसा अर्न करने के लिए। तो पैसा क्या है, पैसे का साइकोलॉजी क्या है, इसके बारे में इस किताब में बहुत ही सिंपल शुद्ध भाषा में ऑथर ने बताया है। क्योंकि लाइफ में कुछ भी करने के लिए, पैसा कमाने के लिए या फिर कुछ भी करने के लिए, सबसे पहले माइंडसेट को सही करना बहुत ही जरूरी है, जो इस बुक को रीड करने के बाद आप लोगों को मदद करेगा। थर्ड थिंग, आज के टाइम पे जो भी इंडियन एजुकेशन सिस्टम है या फिर यूएस एजुकेशन सिस्टम है, वो क्यों इफेक्टिव नहीं है, वो भी इस किताब में ऑथर ने बताया है। एंड दिस इज द पॉइंट विच आई कैन हाईली रिलेट, बिकॉज मैंने भी 19 साल में कॉलेज से ड्रॉप आउट किया था, एंड तब मेरे पास ये बुक भी नहीं था, मेरे पास ये पैसा भी नहीं था बुक खरीदने के लिए। आई विश मेरे को कोई सजेस्ट किया होता ये बुक, ताकि मेरा जो स्ट्रगल था कॉलेज लाइफ में वो आसान हो जाता। बट ये जो एजुकेशन सिस्टम के बारे में जो पॉइंट है, वो मैं हाईली रिलेट कर पाता हूँ, क्योंकि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है दैट इज फोकस्ड ऑन क्रिएटिंग एम्प्लॉयज, नॉट एंटरप्रेन्योर्स, नॉट बिजनेस ओनर्स, एंड मोस्ट ऑफ ऑल स्कूल्स एंड कॉलेजेस में हमें सिखाता ही नहीं है कि पैसा क्या है एंड पैसा कैसे कमाते हैं। हमें सिर्फ यही सिखाया जाता है कि टेस्ट को कैसे क्रैक करता है, नंबर्स कैसे ज़्यादा मिल सकता है। बेसिकली स्कूल इज अ फैक्ट्री दैट प्रोड्यूसेस एम्प्लॉयज। तो इसके बारे में आप और भी जानेंगे इस बुक में। तो दैट्स व्हाई आई थिंक अगर आप 20s में हो, आपको एक बेसिक फाउंडेशन बनाना चाहिए आपका फिनेंशियल इंटेलिजेंस का, एंड आई थिंक रिच डैड पुअर डैड डज अ फैंटास्टिक जॉब इन इट। लाइक ये बुक लॉन्च हुआ था 1997 में, लाइक बहुत साल पहले, पर इस बुक में जो भी चीज ऑथर ने बताया है आज के दिन में भी वो इफेक्टिव है, एंड एक टॉप बेस्ट सेलर रह चुका है लास्ट डिकेड में पर्सनल फिनेंस के ऊपर है बुक। तो आई वुड हाईली रिकमेंड यू पीपल टू रीड दिस बुक। अगर आप कॉलेज में पढ़ाई करते हो, अगर आपके पास पैसा नहीं है बुक खरीदने के लिए, फिर तो भाई आप, हम इंडियंस हैं, हम जुगर कर ही लेंगे ऑनलाइन किसी जगह से। तो जाओ इस बुक को रीड करो। मैंने पर्सनली इसको रीड किया है, थोड़ा लेट मैंने रीड किया है क्योंकि मेरे पास वो पैसा या फिर ये नहीं था ये बुक खरीदने के लिए जब मैं कॉलेज से ड्रॉप आउट किया था, पर हाल ही में मैं बुक
रीड किया एंड एब्सोल्युटली फैंटास्टिक बुक. यू शुड डेफिनेटली रीड दिस बुक एंड स्टार्ट योर जर्नी टुवर्ड्स फिनेंशियल फ्रीडम. एंड अगर आपको इस वीडियो को अच्छा लगा है, अगर आप चाहते हो कि मैं और भी बुक रिकमेंडेशंस आप लोगों के लिए लाऊ, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड कमेंट में बताना अगर मेरा कुछ गलती हो चुका है वीडियो को बनाने के टाइम. ठीक है, लव यू ऑल, बी स्मार्ट, अर्न मनी इन योर 20s.